नमस्कार दोस्तों, गौरा नीटिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम इस तरह का नीटिंग पैटर्न सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे क्या करना है, एक फंदा छोड़ के और जो हमारा अगला जो फंदा है उसको हमने आगे वाली नीडल में ट्रांसफ़र करना है। देखिए, एक फंदा हम छोड़ लेंगे, छोड़ देंगे अपना, और दूसरे फंदे को हमने उससे जो पीछे की तरफ है, हमारी बाएं हाथ की तरफ है, उस साइड हमने अपना फंदा ले लेना है। फिर एक फंदा इस तरह से, मतलब जो हमारी पहली नीडल है और उससे आगे का जो फंदा है हमारा दूसरे नंबर का, वो हमने पहले में डालना है। फिर तीसरा छोड़ के चौथा जो हमारा निडिल का फंदा है उसको हमने तीसरे में ले लेना है। इसे एक निडिल छोड़ेंगे और उससे अगली वाली निडिल का फंदा उससे पीछे वाली बाई तरफ की निडिल में हमने इस तरह से उतार लेना है अपना। इसको लिया और इस तरह से उतार लेंगे। इसी तरह से हम अपनी जो सारे हमारे इधर फंदे हैं इनको हमने इसी तरह से उतारना है, और उससे जो पीछे की तरफ बाएं तरफ हमारा जो फंदा है उसमें हमने अपना ये जो फंदा है वो हमने ट्रांसफ़र कर देना है अपना। तो इसे एक बार जो हमारे फंदे हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए, इधर तो हमने अपने फंदों को ट्रांसफ़र कर दिया, एक निडिल छोड़ के हमारा एक जो है वो एक निडिल खाली है हमारी, और एक निडिल में हमारा तो दो जो फंदे हैं वो हमारी एक निडिल में है, एक निडिल हमारी खाली है। ठीक है, जो हमारी निडिल पीछे की तरफ है उनको तो हम आगे की तरफ कर लेते हैं, इनको आगे की तरफ करेंगे हम इस तरह से। और अब हम इस पे दो सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये तो हमारी जाली बन गई। आप देखिए, जैसे हमारी इधर नीचे की साइड में जो हमारा डिज़ाइन है इस पे हमारी जो ये जाली है, ये हमारी देखिए ऐसे एक लाइनिंग सी आ रही है जो हमारी तिरछी है, तिरछी साइड को जा रही है एक साइड की तरफ। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा देखिए, ये देखिए, एक तो हमारी ये जाली बन गई। अब उसके बाद हमारा जो ये है दो फंदों का, तो इस जो ये वाला हमारा फंदा होगा जाले के ऊपर वाला नहीं, जो ये बुना हुआ हिस्सा है हमारा उसका जो ये हमारा ये फंदा होगा, इस फंदे को हमको उतारना है और उससे पीछे की तरफ या बाईं तरफ उसे हम इस तरह उतार लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने फिर से जाली वाला जो हमारा फंदा है उस फंदे पे हमने जो हमारा ये बुना हुआ फंदा है ये वाला, ये फंदा हम अपना ट्रांसफ़र करेंगे जाली वाले फंदे के ऊपर। ये देखिए, ये जाली का फंदा हुआ और ये बुना हुआ फंदा है, तो बुना हुआ जो हमारा फंदा होगा हमने जाली वाले फंदे के ऊपर उसको ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरह से, ठीक है। ये फंदा इधर ट्रांसफर करना है हमें। जितने भी फंदे हमारे उन्हें हम ट्रांसफर कर लेते हैं। एक बार ट्रांसफर हो गए हमारे, और हमारे पीछे की जो नीडिल है उन्हें हम आगे करके यहाँ पर दो सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, दो सिलाई लगा ली हमने। अब हमने फिर से देखिए, ये तिरछी आने लग गई हमारे डिजाइन, तिरछी साइड को एक साइड की तरफ
तिरछा होने लग गया है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो जाली वाला है, जाली वाले के साइड में जो हमारा ये बुना हुआ जो हिस्सा है, इसी वाले फंदे को हर बार में हमने ऐसे ही करना है। जैसे कि ये जाली वाला है तो यहाँ पर है, बुना हुआ है हमारा, तो इस फंदे को हमने इसको तो हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और फिर जाली वाला छोड़ के फिर हम इसको करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा ये डिज़ाइन ऊपर को बढ़ता जाएगा, आपको यहीं पर अपना फंदा ट्रांसफ़र करना है। ये जो हमारा बुना हुआ हिस्सा है, इसी फंदे को हम हर बार हर सिलाई में, हर तीसरी सिलाई में हमने यही अपना ट्रांसफ़र करना है और हमारी जो ये जाली आती जाएगी और ये डिज़ाइन इस तरह से हमारा, देखिए एक साइड को तिरछा ये बनता जाएगा। और देखिए इस तरह से हमारा जो ये डिज़ाइन आ जाएगा। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कीजिए, फ्रॉक वगैरह पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।